दोस्तों ये टाटा एस लेटेस्ट का मॉडल है और टाटा एस चलाना सीखे एकदम आसान। तो ये BS4 टाटा एस लेटेस्ट का मॉडल है और हम इसको चला के आपको बताएंगे, ट्रायल भी ले रहे हैं और आपको साथ में बता भी रहे हैं कि BS4 कैसी गाड़ी चलती है। तो टाटा एस चलाना सीखने के लिए सबसे पहले आपको टाटा एस के अंदर पानी, ऑयल यानी डीजल होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारा ये एक्सलेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो अगला स्टेप है हमारा वो है गियर। तो इसमें गियर है, इसमें 5 गियर है आपके, 4 आगे जाने वाले और एक रिवर्स आने वाला यानी पीछे आने वाला है। 5 गियर है, 2 गियर सामने है और 2 गियर पीछे आगे वाले। और साथ में ही ये चाबी स्विच है, इसमें इसको हीटर देना होता है 2 बार, और हीटर देने के बाद इसकी बत्ती जलती है हीटर की जो कॉइल, तो वो आने के बाद ही टाटा एस स्टार्ट होती है। तो उसको 2 बार हमको हीटर देना है, एक बार आकर चला गया, 15 सेकंड तक हीटर देना चाहिए कम से कम, तो उसके बाद ही टाटा एस स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि स्टार्ट होने के बाद वो उसकी जो डिस्प्ले में बैटरी का लाइट, ऑयल का लाइट जो होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। जैसे कि अब टाटा एस स्टार्ट हो गई है और हम इसको हम चलाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्लच के ऊपर पैर रखना है और एक्सलेटर का पैर हटा देना है, और साथ ही साथ उसका जब गियर डालेंगे हम, तो सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाना है हमें। जैसे कि ये देखिए आप सामने की तरफ नीचे, तो वो आपका फर्स्ट गियर जब लग जाएगा तो आपको हल्का एक्सलेटर देके ऐसा क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, तो गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ लेंगी धीरे धीरे। जब आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ना चालू कर देंगे तो आपको एक्सलेटर बढ़ाना है और उसकी स्पीड बढ़ा के फिर ये पीछे सेकंड लेना है, बीच में न्यूट्रल करके पीछे सेकंड लेंगे आप। जब सेकंड लेंगे तो गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएंगी, तो फिर आपको थर्ड गियर की तरफ जाना है। पर हमारे सामने ब्रेकर है और इसलिए हम कंट्रोल करके इसको क्लच और ब्रेक करके हम कंट्रोल कर रहे हैं गाड़ी को, और फिर हम स्पीड पकड़ने के बाद थर्ड लगाएंगे। अभी तो हमने फर्स्ट ले लिया रिटर्न और अभी सेकंड ले लिए वापस। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से क्लच छोड़ना है आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड गियर में ही आपको गाड़ी कंट्रोल करना आ जाएंगी। जैसे कि अब टर्न आ गया, टर्न आने के बाद भी आपको सेकंड में ही या थर्ड में गाड़ी का टर्न मारना है। स्पीड नहीं होनी चाहिए, एक्सीलेटर कम होना चाहिए। अगर आपका एक्सीलेटर ज़्यादा रहेगा तो आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर चले जाएंगी, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। और साइड ग्लास का इस्तेमाल टर्न मारते टाइम ज़रूर करना है, कि जिससे कि आपको पीछे से आने वाली जो गाड़ी है वो आपको दिख जाए, और वो गाड़ी दिखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जैसे अभी थर्ड लगाया हमने, आप देख सकते हैं कि थर्ड में गाड़ी की स्पीड क्या होती है, तभी गाड़ी की स्पीड 40 के ऊपर है, 50 के लगभग हो रही है। और वो 50 होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टॉप गियर यानी चौथा गियर लगाएंगे, और चौथा गियर लगाने के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और गाड़ी काफ़ी स्पीड में हो जाएंगी, और आप एक्सलेटर जैसा देंगे वैसी वैसी आपकी गाड़ी पिकअप लेंगी, और आपको उसको संयम से यानी स्टेयरिंग को बराबर रखकर ही चलाना है, जिससे कि आपकी भी सेफ्टी रहे और सामने वाले की भी और लोगों की भी सेफ्टी रहे, जिससे कि किसी को नुकसान ना हो, किसी का एक्सीडेंट भी ना हो। जब रोड खाली रहे तभी रोड पर गाड़ी स्पीड से चला सकते हैं आप। जब रोड पर गर्दी हो तो आपको गाड़ी कंट्रोल में ही चलाना चाहिए, जिससे कि आपका ब्रेक मारने पर गाड़ी कंट्रोल हो जाए। ग्रीन मार्किंग के आगे गाड़ी नहीं ले जाना चाहिए। कम करना है। आप देख सकते हैं हमारा टॉप गियर लगा हुआ है और हम उसको कवर अप कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड नॉर्मल है और रोड पूरा खाली है। आपको थोड़ा स्पीड बता देंगे देकर। और वैसे भी हमको अब टर्न मारना है, तो टर्न मारने के लिए हमको पहले देखना है कि हमारे जो राइट साइड में जो वाहन व्हीकल आ रही है
वो सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है और ना पीछे से कोई हमारे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, तभी आप टर्न मारें। और इंडिकेटर बिना दिए कभी टर्न नहीं मारना चाहिए, जिससे कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए हर टाइम इंडिकेटर और हेडलाइट का जो अपर डिपर होता है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सेफ्टी अप्लायंस के अंदर वो भी आता है। तो हमने तो टर्न मार दिया है और हमारी गाड़ी कोई सेकंड गियर में है लगभग, अभी थर्ड गियर लगा दी हमने और गाड़ी हमारी नॉर्मल में बराबर चल रही है। जब आप टॉप गियर लगाएंगे, जैसे कि टॉप गियर हम लगा चुके हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो लगभग 70 तक जाएंगी और आपकी 70 की स्पीड आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। लोडिंग व्हीकल जो होता है तो उसकी कंट्रोल कैपेसिटी आपके हाथ में होती है, जैसे क्लच और ब्रेक। अगर आप उसके ऊपर संयम रखेंगे तो आपको अड़चन नहीं आएगी। जैसे टर्निंग में आपको स्पीड कम कर देनी है, अभी तो रोड खाली है, तो खाली रोड पर आप मौसम यानी स्पीड में चला सकते हैं। पर जब आपका रोड एम्प्टी रहेगा, ये यानी उस पर जब आपके रोड पर व्हीकल गाड़ियां रहेंगे, तो आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाए। अरे गाड़ी के स्टीयरिंग दोनों हाथ से ही पकड़े, एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, जिससे छोटे पत्थर या छोटा गड्ढा आने की वजह से आपका बैलेंस आउट हो जाता है स्टीयरिंग का, जिससे नुकसान हो सकता है। जैसे कि अब हमको टर्न मारना है लेफ्ट साइड, तो हम फिर इंडिकेटर देंगे और फिर टर्न मारेंगे और साइड ग्लास का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पीछे कोई गाड़ी है क्या, जबकि कोई गाड़ी नहीं है हमारे पीछे, हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे। तो वो टर्न हमने ले लिया और सामने बारीक बारीक गड्ढे हैं, तो हम उसमें से गाड़ी एकदम आराम से चलाएंगे। अभी सामने भी हमारे एक ब्रेकर है, तो उस ब्रेकर भी हम गाड़ी कंट्रोल करके लेंगे। तो जो गाड़ी ब्रेकर पर कंट्रोल कर जाएंगी और वहाँ ब्रेक नहीं मारेंगे आप, तो आपका बाटा नहीं टूटेगा। अगर आप ब्रेकर पर जाने के बाद पाटा मारेंगे गड्ढे में जाने के बाद, तो आपका बाटा टूट जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले ही गाड़ी की स्पीड 20-25 के अंदर ही कर देना है, जैसे हमने कर दिए। देखिए आप, तो फिर आप गियर डालने यानी ब्रेकर क्रॉस करने के बाद आप गाड़ी को मौसम दे सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं आप। और टर्न में भी स्पीड आपको कम कर देना है, आपको कम कर देना है। आप देख सकते हैं खाली रोड पर हम नॉर्मल स्पीड में ही चला रहे हैं। और ये पार्किंग है, जब आपको टर्न नहीं मारना है डायरेक्ट जाना है, तो आप ये पार्किंग खींच लेंगे तो चारों आपके इंडिकेटर पार्किंग चालू हो जाएंगे, जिससे पीछे की गाड़ी को और आगे की गाड़ी को भी मालूम पड़ जाएंगे आने वाली कि आप टर्न नहीं मार रहे हैं, सीधा जा रहे हैं। तो आप उसका इस्तेमाल तब करें। तो टाटा एस चलाना सीखने के लिए आप अनुभवी ड्राइवर के साथ मिलकर ही टाटा एस चलाना सीखें, जिससे आपकी भी सेफ्टी और लोगों की भी सेफ्टी, और आप इससे मालूमात ले सकते, जानकारी ले सकते, जिससे आपको नुकसान ना हो। अनुभव के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हैंड ब्रेक का इस्तेमाल जब आप गाड़ी पार करें तो बिल्कुल करें, हैंड ब्रेक से आपकी गाड़ी रोल नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।